वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीसेंगे लाहौरी नमक, वो भी घर में बहुत ही आसानी के साथ। ना हब सॉल्ट ना सी सॉल्ट, ओनली खालिस लाहौरी लाल नमक। सेहत है तो ज़िंदगी है। आर्टिफिशियल सी सॉल्ट को कर दीजिए बाय बाय। अब ले आएँ खालिस देसी लाहौरी नमक और साफ़ तरीके से घर में पीसें बहुत ही आसानी से। यहाँ हमारे पास में है 2 किलो साबुत लाहौरी नमक, तो मैंने इसको धो के अच्छे से स्टैंडर में रख दिया था। इसका पानी ड्राई हो गया। के पास में कोई भी भारी औजार हो, हैमर हो या इमाम दस्ते का इस तरह से ये डंडा हो, तो आप इसे इसको कूट सकते हैं कवर में करके, कपड़े में करके या शॉपर में करके। देखें कूटने के बाद ये इस तरह से इसके पीसीस हो जाते हैं अलग अलग। इसके बाद हम इमाम दस्ते के अंदर 2-3 पीस डालेंगे और बहुत ही आसानी से, देखें इस तरह से हम इसको कूटेंगे तो ये कूटता रहेगा और बारीक होता रहेगा, तो दरदरा सा हो जाएगा मोटा मोटा। तो हमें दरदरा ही करना है। इमाम दस्ते में 2-3 पीस डालते रहेंगे और दरदरा होता रहेगा। फिर एक दूसरे कंटेनर में हम शिफ्ट कर लेंगे। तरीके से हम 2-3 पीस डालते रहेंगे और देखें ये इस तरह से कूटता रहेगा, तो हम दूसरे कंटेनर में इसको शिफ्ट करते जाएंगे। तमाम नमक हम एक साथ इसको पीस के अलग कर देंगे कंटेनर में, ठीक है। इसी के साथ देखें अब ये बारीक हो गया, कूट चुका है। अब हम सिल पे भी इसको पीस सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है, मेरे पास मशीन है मिस्टर लाइट, तो हम उसके अंदर भी इसको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा हम चलाएँगे, बिल्कुल बारीक हो जाता है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सिल पे भी इसी तरह से पीस सकते हैं। मिक्सर में पीसें या सिल पे पीसें, उसी तरीके से बारीक फॉर्म बनती है। सिल पे और मशीन दोनों में पीसने के बाद एक ही फॉर्म बनती है। आप इसको पीसने के बाद सिल पे छन्नी में इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद बिल्कुल बारीक सा, ये देखें नमक हमारा रेडी हो जाता है यहाँ पर। और जो बचता है हमारा नमक छन्नी में, हम दोबारा से उसको सिल पे पीस लेते हैं, तो और ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। हम इसको वेस्ट नहीं करते, हम इसको पीस लेते हैं मज़ीद। तो देखें यहाँ पर हमारा नमक बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और इसको बआसानी आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद देखें मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। आपके पास पॉली बैग होना चाहिए इस तरीके का, और इसकी चमचे की मदद से आप इस तरह से इसके अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं और इसको पैक करके, बैग को बंद करके 1 से 2 माह के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान, सिंपल और साफ़ तरीके से हम अपने घर में लाहौरी लाल नमक पीस सकते हैं। आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और बाकी बहुत आराम से ये पीस जाता है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।